कानपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब पुलिस पूरे शहर में निगरानी रखेगी। अपराध करने वाले व शहर में अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी, तत्काल आरोपियों पर कार्रवाई होगी। वहीं रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि भारत का पहला देश गोरखपुर है जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई थी। देखिए, आज हम लोग आप लोगों से एक विशेष प्रयोजन के तहत ये वार्ता रखी गई है। प्रदेश में कुछ दिनों पहले ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ था, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने गोरखपुर में सर्वप्रथम शुरू किया था और जहाँ मुख्य उद्देश्य था कि हम शहर को एक सेफ सिटी बनाए सीसीटीवी के प्रयोग से। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, सीसीटीवी बहुत दिन से प्रयोग कर रहे थे, बट एक सुनियोजित और संगठित रूप से बढ़ने की आवश्यकता थी और उसको हम लोगों ने प्रयास करके गोरखपुर देश का पहला शहर बना जहां समस्त चौराहों पर कैमरे लगे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम कानपुर आए और कानपुर में स्थिति को देखी तो हमें लगा कि इसको हमें जिस प्रकार हमने गोरखपुर शहर को बनाया है सेफ सिटी की हर चौराहे पे कैमरा, और अगर हर चौराहे पे कैमरा लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना सकारात्मक प्रभाव कानून व्यवस्था पे पड़ता है। इसका सीधा सीधा फायदा होता है, सर्वप्रथम कि डिटेरेंस होती है, जो शरारी तत्व हैं या अपराधी हैं उनको मालूम है कि वो अब बच नहीं पाएंगे क्योंकि वो मिस्टर इंडिया तो बन नहीं पाएंगे, और उस चक्कर में जहाँ कोई इस तरह की गलत घटना करता है तो कैमरे के हद में आ जाता है और हर चौराहे होने से फिर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले थी डिटेरेंस, दूसरी बात अगर किसी ने दुस्साहस भी की तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था। गोरखपुर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत हुआ था कि जब अपराधी पकड़े गए तो आपस में झगड़ा हुआ उनका और उन्होंने कहा कि यार मैंने इसको कहा था कि गोरखपुर शहर मत जाओ, ये माना नहीं और देखो हम पकड़े गए। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी लानी है कि अगर हर जगह कैमरा लग गया तो पहला डिटेरेंस होगा, दूसरा डिटेक्शन होगा, और तीसरी पहलू होती है जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई निर्दोष जेल ना जाए। आपको भी मालूम है सामान्य केसों में फर्जी नामजदगियाँ हो जाती हैं, फिर दोनों पक्ष से लोग खड़े हो जाते हैं गवाह, ऐसे मामलों में सीसीटीवी बड़ा ही सार्थक होता है जो सही आदमी को जेल भेजने में मदद करता है।